गुड मॉर्निंग, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है वर्ब। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं या जो भी लिखते हैं वो किन किन खंडों से मिलकर बना है। तो आपको पहले नाउन बताया है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। अब पढ़ रहे हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब। वर्ब में देखो तीन तरीके की वर्ब है। पहला है वर्ब, द वर्ब, वर्क और एक्शन इज डन नोन एज वर्ब। यानी जो भी काम किया जाता है, जो क्रिया की जाती है वो वर्ब कहलाती है। वर्ब को हिंदी में बोलते भी क्रिया है, जैसे ईट खाना, गो जाना, कम आना, राइट लिखना, इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं। लाफ, क्राई, वीप, सी, हियर, लिसन, ये बहुत सारी क्या है वर्ब है। जो कि मैं आपको एक वर्ब का पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो उस वर्ब को आपको अपनी कॉपी में लिख के याद कर लूँ। नेक्स्ट देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के प्रकार मेनली थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब होती हैं। एक होती है एक्शन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्शन वर्ब। एक्शन मतलब जो हमने एक्शन करते हैं, जो चलते हैं, जैसे चलना या कोई चीज रखना, हैव, हैज, जो होती है रीड, हियर, लाफ, जो मैंने ऊपर सारी लिखी बोली है या लिखी है वो सब होती है। उस तरह की सारी जो वर्ब होती है वो होती है एक्शन वर्ब। ठीक है, अब उसके लिए आप किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे he read the book या I am going to market, he laughs at me, walk, I go for a walk in the park। तो ये तो हुए एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें वर्ब, इस एक्शन वर्ब को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें कि सेंटेंस में उस वर्ब से सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, कर्ता के बारे में पता चलता है, वो यानी ऑब्जेक्ट दिया होता है, वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही कट्स केक, यहाँ काटता है, ये तो हमें पता है कि कट्स वर्ब है, लेकिन इस कट्स से ये पता चलता है काटता है, क्या काटता है, केक। तो यहाँ हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी वो काटता है लेकिन वो क्या करता है, केक काटता है। तो व्हाट यानी क्या कर रहा है, काट रहा है, काट रहा है, क्या काट रहा है, केक काट रहा है, पूरी जानकारी मिल रही है जिस वर्ब से, वो कहलाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अगला है सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे कंप्लीट जानकारी नहीं मिलती है, जैसे ही गोज को जाता है, लेकिन वो जाता है, कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, क्या करता है, कुछ जानकारी नहीं मिल रही। तो इस तरह से अगर वर्ब का यूज हो रहा है तो वो वर्ब हो जाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया। अगला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं, टेंस में पढ़ा है कि जो टेंस होते हैं उसमें सेंटेंस के रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सहायक क्रिया के रूप में काम आते हैं, जैसे इज आर एम, वाज वर, शैल, विल, हैव, हैज, एट, जैसे इज आर एम आता सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल टेंस में जिसमें कि विदाउट वर्ब मेन इसके रूप में काम आता है, जैसे शी इज अ गर्ल। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए शी इज गोइंग, दे आर राइटिंग, आई एम डूइंग, वाज वर, शैल, विल, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर टेंस के अंदर, परफेक्ट टेंस में, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का, ये पास्ट डेफिनेट टेंस में, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, इस तरह से ये टेंस में काम आती है हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से। अगला है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का मतलब है जो कि सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ता है, दो चीजों को, उन दोनों को जोड़ने वाली चीजें जो होती है वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। जैसे फ्लावर्स आर ब्राइट, फूल ब्राइट। अब आप कहोगे इजारा जिसमें भी है, क्योंकि सर में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रहा है, तो अभी इसका प्रयोग हो रहा है, जैसे ही इज वॉकिंग, वो चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस होकर, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इसका संबंध हो रहा है इससे, फूल कैसे हैं, ब्राइट है, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये होती है यहाँ पे इस रूप में जो इजारा है वो है लिंकिंग वर्ब। ये तो हमने पढ़ा वर्ब के बारे में। अब है वर्ब का, जो हम टेंस में जब यूज करते हैं तो वर्ब की तीन फॉर्म के रूप में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम में आता है, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में काम आता है, सेंटेंस में, थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें काम आता है। इसके अलावा वैसे आपको बुक्स में बताते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी बताते हैं कि आईएनजी फॉर्म अलग होती है, तो हम उस आईएनजी फॉर्म को अलग ना करके इसी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म इसी पे लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे तो वो आईएनजी फॉर्म बन जाती है,
तो आप देखिए, जैसे पहला हम कुछ एग्जांपल समझ रहे हैं, कम कम यानी आना, ठीक है, यहाँ वर्ड बनता है आता है, ये सेकंड फॉर्म हो गई कम की, सी ए यानी के, और थर्ड फॉर्म हो गई कम, ऐसे ही जी ओ गो, गो यानी जाना, डब्ल्यू ई एन टी वेंट, और जी ओ एन ई गोन, ऐसे ही लाफ, एल ए यू जी एच, लाफ यानी हंसना, और लाफ्ड, एल ए यू जी एच ई डी, इसमें भी एल ए यू जी एच ई डी, ये हो गई हमारी वर्ब। अब ये तो बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी वर्ब का, जिसमें से आप कर लीजिएगा। तो ये आपको पूरा लिखना है, और जो पीडीएफ में जो वर्ब सेंड करूंगी वो भी आपको लिखनी है, और उसको याद करनी है, और ये वीडियो का काम भी करना है और पीडीएफ का काम भी करना है, याद रखिएगा। थैंक यू।